शहर के युवक की पत्नी एक माह से गायब है। लोकेशन मिलने के बाद भी पुलिस उसकी पतासाजी नहीं कर रही है। पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर युवक शनिवार की दोपहर पेट्रोल लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गया और आत्मदाह करने की कोशिश की। इससे पहले वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल की बोतल को छीन लिया और समझाइश देकर युवक को घर भेज दिया। सरकंडा थाना क्षेत्र के जबड़ापरा के रहने वाले अमितेश मिश्रा शनिवार की दोपहर बोतल में पेट्रोल लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गए। सरकंडा पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाकर कार्यालय परिसर पर आग लगाकर आत्मदाह करने की बात करने लगा। वहां मौजूद पुलिसकर्मी दौड़कर अमितेश के पास पहुंची और उसके हाथ से पेट्रोल की बोतल को लूट लिया। अमितेश का आरोप है कि वह एक दूसरे समाज की युवती से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद पत्नी उसे प्रताड़ित करने लगी। घर का झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन धोने तक का पूरा काम कराने लगी थी। काम नहीं करने पर थाने में शिकायत करने की धमकी भी देने लगी। एक महीने पहले घर से गायब हो गई थी। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली तो पति ने सरकंडा थाना में इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जबकि उसकी पत्नी का मोबाइल लोकेशन रायपुर में बता रहा है। इधर सास और ससुर दबाव बना रहे हैं कि उनकी बेटी को खोज कर लाओ, नहीं तो पुलिस में शिकायत करेंगे। इन सब के कारण पिछले कई दिनों से पीड़ित परेशान है। पीड़ित अमितेश ने बताया कि प्रेम विवाह के बाद उसकी पत्नी घर पर कुछ काम नहीं करती थी। समझाने पर उसकी पत्नी यह बात बोलकर धमकाती थी कि कानून के सामने महिलाओं की ज्यादा सुनवाई होती है, इसीलिए कुछ काम करने से मना करती थी। साथ ही बार बार पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी देती थी। पत्नी के गायब होने से अमितेश परेशान है। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी रायपुर में है, लेकिन पुलिस उसे लेने नहीं जा रही है। अमितेश मिश्रा मेरा नाम है, मैं जबड़ापारा सरकंडा में निवास करता हूँ। मेरी पत्नी आज एक महीना होने जा रहा है लापता है। मेरी पत्नी जो एक महीना होने जा रहा है वो लापता है, और वो रायपुर में उसका लोकेशन आ रहा है, रानी बस्ती में। उसके बाद भी वो फोन करके मतलब अपने घर में बताती है कि मैं सेफ हूँ, और थाने में भी फ़ोन करके बताती है मैं सेफ हूँ, और मेरे को पत्र के माध्यम से ब्लैकमेल कर रही है कि मैं तुम्हारे मेरे साथ ये किए हो वो किए हो, और वो दूसरा शादी कर ली है, है ना। कोर्ट मैरिज मेरे से हुआ था 23 तारीख को, दूसरा शादी कर ली है, और एक महीने से आज वो यहाँ नहीं है। आपको कैसे पता चला दूसरा शादी कर ली? मेरे को पता चला है सर, मैं अब कैसे बताऊँ। मेरे साथ जो धोखा का, मेरे को ब्लैकमेल करती थी घर में रहते ही कि तुम घर का काम नहीं करोगे तो मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मैं जाकर उसे शादी करके आराम से रहूँगी करके। मेरे को हर प्रकार से ब्लैकमेल करती थी, और उसके घर वाले भी मेरे को ब्लैकमेल करते हैं कि एक महीने में अगर हमारी बेटी नहीं मिली तो तुमको अंदर करा देंगे, तुमको जेल करा देंगे, तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे, तुमको किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहुत परेशान हो गया हूँ सर, और किसी तरीके से। क्यों आए हो यहाँ, क्या करने आया हूँ? मैं आत्महत्या करने आया हूँ सर, मेरे को क्योंकि मैं घुट घुट के जी नहीं पा रहा हूँ सर। एक ही बार मेरा इंड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है सर। परेशान हूँ, मैं पेट्रोल लेके आया हूँ सर, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई ना सपोर्ट हो रहा है सर, कोई मदद नहीं हो रही है, अन्याय हो रहा है सर, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। थाना में रिपोर्ट किए हो? रिपोर्ट गुमशुदगी की किया हूँ सर, और पूरा सामान को भी जबकि लेके गई है सर, पैसा भी लेके चली गई है, पैसा भी ज्वेलरी सब लेके चली गई है, उसके बाद मेरे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है सर। पुलिस सपोर्ट नहीं करेगा? कोई भी सर सपोर्ट क्या कर रहा है सर, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरा।